इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हम किसी भी प्रोडक्ट को एक्सचेंज कैसे कर सकते हैं अमेज़ोन के अंदर। सॉरी, एक्सचेंज नहीं, अगर उस पर एक्सचेंज चल रहा होगा तो उस एक्सचेंज प्रोसेस को कैसे देख सकते हैं या उस एक्सचेंज प्रोसेस को कैसे कर सकते हैं, ये हम बात करेंगे। और ये बात करेंगे हम फ़ोन, मोबाइल फ़ोन्स पर। तो जैसे कि अमेज़ोन पर हम हैं और यहाँ पर मैं किसी फ़ोन्स को सर्च कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पर जैसे फ़ोन्स को मैंने यहाँ पर सर्च किया, जो उन सभी फ़ोन ऊपर आएगा हम उस पर ही एक्सचेंज ऑफ़र देखेंगे। अब जैसे यहाँ पर ये वाला फ़ोन आया, सैमसंग गैलेक्सी M30s, इस पर हम देख लेते हैं कि एक्सचेंज चल रहा है या नहीं। इसको खोलते हैं और खोलने के बाद ये खुल जाएगा और थोड़े से नीचे जाते हैं। जब हम नीचे जाएंगे, अगर यहाँ पर आपको दिखता है ये वाला ऑप्शन एक्सचेंज, तो यहाँ पर ये समझ जाएगा कि एक्सचेंज ऑफर में चल रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर विदाउट एक्सचेंज ये प्राइस है इतने का। अगर आप एक्सचेंज करते हैं तो ये अप टू आपका जो ऑफ हो जाएगा यहाँ पर 7,450 रुपये तक का। ठीक है, यहाँ पर आपका ऑफ हो जाएगा इतने का। अब यहाँ पर विद एक्सचेंज पर हम जैसे ही क्लिक करते हैं तो जो सा फ़ोन यूज़ करते हुए होते हैं उसकी जो है डिटेल्स अमेज़ोन के पास चली जाती हैं, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा बहुत इतना तो एडवांस है। और उसके बाद यहाँ पर आपका फ़ोन का जो प्राइस है, मेन प्राइस है, वो दिख जाता है। जैसे कि यहाँ पर हम एक्सियोमी रेडमी नोट 5 प्रो यूज़ कर रहे हैं तो उसका जो बेसिक प्राइस है वो इतना है। बट अगर हम डिफरेंट फ़ोन को एक्सचेंज करना चाहते हैं तो सिलेक्ट डिफरेंट फ़ोन पर क्लिक करिए और यहाँ पर ब्रांड सिलेक्ट करिए। ठीक है, जो ब्रांड होगा वो सिलेक्ट करिए। जैसे कि यहाँ पर मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ कोई सा भी ब्रांड, वन प्लस या रियलमी या सैमसंग का। तो यहाँ पर मैं C2 को सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो अब देखते हैं यहाँ पर ये एक्सचेंज कितना हो रहा। तो यहाँ पर एक्सचेंज ऑफ़र चल गया यहाँ पर 3650 का। अब यहाँ पर EMI डालनी है। अब मैं जो EMEI जो नंबर होता है हमारे फ़ोन के अंदर वो डायल करेंगे आप *#06# से, तो वो आपको दिख जाएगा। वो यहाँ पर आपको डालना है, एंटर करना है। बट यहाँ पर आपका जो है जो कंडीशन होनी चाहिए उसमें क्रैक नहीं होना चाहिए स्क्रीन के ऊपर। ठीक है, और बॉडी में ज़्यादा स्क्रैचेस नहीं होने पर चाहिए, डेंट नहीं होना चाहिए, तभी आप इसको एक्सचेंज कर पाएंगे। उसके बाद यहाँ पर बाय नाउ एक्सचेंज पर क्लिक कर दीजिए। अपना प्रोसेस EMI डालने के बाद आपका जो जो आपका डिलीवरी है वो ले जाएगा आपका फ़ोन और जो दूसरा फ़ोन है वो दे जाएगा। तो ये प्रोसेस है इसको एक्सचेंज करने का अमेज़ोन के अंदर। मे बी आपको समझ में आ गया हो। अगर समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।